हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत का खाना खजाना। तो फ्रेंड्स, ये है गरम मसाला। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि काफ़ी सारे मसाले थे उसमें, तो उसके अलावा भी और थोड़े से मसाले थे जो मैंने यूज़ किए हैं, और ये साल भर के लिए मैंने जो गरम मसाला है बना करके रख लिया है। मुझे मार्केट वाला गरम मसाला अच्छा नहीं लगता है, तो मैं घर पर ही बहुत ही साफ तरीके से इसे मसाले को पूरे साल के लिए रेडी कर लेती हूँ। और इसे सब्जी में मैं सिर्फ इतना सा, ये 1/3 या 1/2 स्पून या 1/3 के तरीके से डाल देती हूँ, भले वो ड्राई सूखी सब्जियाँ हों, जिस तरह से फ्राइड सब्जियाँ या हमारी जो हम तरी वाली सब्जियाँ बनाते हैं, आलू मटर या आलू गोभी, कोई भी सब्जी बनाओ तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मसाला बहुत ही हेल्दी रहता है सेहत के लिए, क्योंकि इसमें वो मसाले हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके एंड में मैंने दो मसाले दिखाए हैं जो मैंने एंड में मिलाए हैं इसमें, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जितना भी हो सके कोशिश कीजिएगा कि इन मसालों को आप ड्राई ही रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है वो गर्म मसाले जिन्हें हम हल्की आँच पर सेक लेंगे और इसके मसाला तैयार करेंगे। तो जैसे जैसे मैं इन्हें सेकती जाऊंगी, आपको इनकी क्वांटिटी भी मैं बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे, और इस तरह से हम हाथ रख के देख लेंगे कि इसकी फ्लेम बिल्कुल लो रहे, इसे हाई फ्लेम पर नहीं सेकना। तो सबसे पहले हम लेंगे बड़ी इलायची जो है 100 ग्राम। तो इन्हें हम हल्का सा सेक लेंगे। फ्रेंड्स, बड़ी इलायची जो है वो हमारे सांस के रोग को, फेफड़ों को साफ करती है और कैंसर से भी लड़ने में हमें ताकत देती है। तो अभी हम इसे हल्का सा सेक लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे छोटी इलायची, ये भी 100 ग्राम है। तो जो छोटी इलायची है वो हमारे यूरिन प्रॉब्लम को ठीक करती है और इसके हमें ब्लड को भी, सर्कुलेट को बढ़ाती है, तो इसे भी सेक लेंगे। और इसके साथ ही हम डाल देंगे लौंग, लौंग भी 100 ग्राम है। तो इन्हें हम हल्का हल्का सेकते जाएंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे दालचीनी, ये भी 100 ग्राम है। तो अभी हम इन मसालों को हल्का सा सेक लेंगे ताकि इनके अंदर की जो नमी है वो बिल्कुल निकल जाए। और ये मसाले जब हम बनाते हैं तो इन्हें हम बारिश के मौसम में नहीं बनाएंगे, जब मौसम हल्का सा ड्राई हो जाए तभी हम बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे साल भर स्टोर करके रखना रहता है। तो इन्हें, इन सभी चीज़ों को पहले मैं हल्का सा सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 3 to 4 मिनट ये हल्का से सिक चुके हैं, और आपको धुएं से पता चल ही रहा होगा कि हल्के हल्के से ये रोस्ट हो गए हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो इस तरह से आप इसे टच करके देख सकते हैं कि ये हल्के से सिक चुके हैं, इनमें हल्की सी गर्मी आ गई है। तो अभी हम इन्हें निकाल देंगे और बाकी के मसाले जो हैं उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे दूसरे मसाले ठंडे हो रहे हैं, अभी हम डाल देंगे धनिया। धनिया है 1 kg, जिसे मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी। इसी के साथ हम डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च भी मैंने अच्छे से साफ कर ली है, और ये भी है 100 ग्राम ही। तो इन दोनों चीज़ों को हम सेकेंगे, और इसके साथ ही हम डाल देंगे जायफल। जायफल को मैंने कूट करके छोटे टुकड़ों में इस तरह से दरदरा कर लिया था, और इस तरह का जायफल होता है जिसे मैंने कूट लिया है, तो मैं इसे भी डाल दूंगी ताकि हल्की हल्की आंच पर ये भी थोड़े से सिक जाए। तो फ्रेंड्स, ये हल्के से रोस्ट हो रहे हैं, इसी में डाल दूंगी मैं 250 ग्राम, ये सूखा जीरा है, और ये मैं डाल दूंगी 200 ग्राम अजवाइन। इसमें मैंने 100 ग्राम कहा था काली मिर्च, बट जो काली मिर्च है वो भी 250 ग्राम है, जितना जीरा उतनी ही काली मिर्च। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को हल्के हल्के से धीमी आंच पर इन्हें हम खिलाते हुए अच्छे से सेक लें। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ये मसाला भी आफ्टर 10 मिनट इससे धीमी आंच पर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और इसमें से भी खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे भी सेकते हुए भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं हाथ में उठा सकती हूँ, ये इतना ही गर्म है। तो धीमी आंच पर इसे सेकते हुए ये भी तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे भी एक खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा कर लूँगी। इस तरह से इसे मैं ठंडा कर लूँगी। अभी मैं इसके और जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ही हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम चक्रफूल, इसमें जाएगी 50 ग्राम जावित्री और इसमें जाएगा ये 50 ग्राम तेजपत्ता, जिसे मैं बिल्कुल धीमी आंच पर सेक लूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे अब बिल्कुल धीमी आंच पर हम इन तीन चीज़ों को सेक लेंगे, क्योंकि हम जो बाजार से मार्केट से जो हम गरम मसाला लेकर आते हैं उसमें सिर्फ धनिया और जीरा और काली मिर्च तीन ही चीज़ें होती हैं, जो कि सब्जी में ना तो वो स्वाद देता है और ना ही हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे रहते। तो ये सब जो गर्म मसाले हैं इन्हें यूज़ करने से हमारी सेहत को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, तो इसीलिए मैं ये सभी गर्म मसाले यूज़ करती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कितनी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ इसे। तो अभी हम इसे भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये तीनों मसाले भी अभी सिक कर रेडी हो गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे रतन जोग, जिससे कि सब्जियों में कलर बहुत अच्छा आता है और हलवाई इसे ज़रूर डालते हैं अलग से सब्जी में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी मसाले में इसे हल्का सा सेक लेती हूँ और फिर इसे पीस करके मसाले में ही रेडी कर लेती हूँ। तो अभी ये भी हमारे मसाला हो चुका है, इसे भी हम ठंडा कर लेंगे और तब अपने सभी मसालों को पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये सभी मसाले अभी ठंडे हो चुके हैं, अच्छे से ठंडे हो गए हैं और ये भी रेडी हो गए हैं। तो अभी हम मिक्सी का इस तरह से एक छोटा जार ले लेंगे, जिसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स सभी पीस लेते हैं। तो इसमें हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही करके, जैसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और इन्हें बारीक करेंगे। तो अभी मैं इन्हें पीस लेती हूँ, सभी मसालों को हम धीरे धीरे करके पीस लेंगे। तो इन्हें पीस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला किस तरह से रेडी होता है। और इसमें दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम एंड में डालेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो कितना बारीक है। तो इसे मैंने आराम से मिक्सी में धीरे धीरे स्लो मोशन पे ही चलाते हुए पीस लिया है और इस तरह से पीसते हुए हमने सभी मसाला रेडी कर लिया है पूरे एक साल के लिए। तो इस मसाले को पीसने के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं दो इंग्रेडिएंट और ऐसे डालूंगी जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो है हींग। ये हींग की डिबिया है 50 ग्राम, इसे डाल देंगे। और ये है सौंठ का पाउडर, सौंठ घर पर पीसने थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो ये मैं पीसी हुई सौंठ का पाउडर लेकर आई थी, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। अब हम इन्हें मिला करके अच्छे से एक सार कर लेंगे और साल भर के लिए इसे डब्बे में डाल करके भरकर स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो बाद में हींग और सौंठ का पाउडर डाला है उसे भी अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मिलाने के बाद ये तो हो गया रेडी, अब हम इसे एक ड्राई प्लेस में रखेंगे और इसे कभी भी हम गीले हाथों से यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी हम सब्जी बनाएंगे तो हमें सब्जी में बस सिर्फ इतना सा ही डालना है, एक स्पून की मदद से सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी डालनी है, हाफ या 1/3, बस यही हमारी सब्जियों में जाएगा और सब्जी का स्वाद जो है वो 2 से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।